पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज अखंड ध्यान का नौवां दिन है, तो चलिए अब समय का सदुपयोग करते हुए हम ध्यान शुरू करते हैं। तो संगीता मैम प्लीज। हम सब सुखमय आसन में बैठ जाएंगे। पूर्ण तरीके से सुखमय आसन। पूरा शरीर ढीला स्थिर। स्थिरम सुखम आसनम। जितनी स्थिरता हो सके उतनी स्थिरता अपने स्थूल शरीर की, यानी कि पहला शरीर, भौतिक शरीर, उस स्थूल शरीर की स्थिरता। स्थिरम सुखम आसनम। आंखें बंद हो जाएं, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करके आराम की स्थिति। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को जांचेंगे। प्राणमय शरीर, मेरी सांस आ रही है और जा रही है। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। चश्मा उतार के एक तरफ रख लेंगे, हाथ में हाथ रखेंगे। अपने पूरे शरीर को निहारेंगे, क्योंकि यही भौतिक शरीर है, यही देही है, देही ही देवालय है, जिसके भीतर आत्मा आकर हमें अलग अलग तरह के अनुभव करवाती है, अलग अलग अखंडता में अखंड बनाती है। जहाँ से हम आए हैं उसी स्वरूप में हमें वापस जाना है, यानी कि हम आत्मा स्वरूप में आए और आत्मा स्वरूप में ही हमें वापस जाना है। अब हम स्थिर हो चुके हैं और हम अपनी सांसों के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम क्रिस्टल ध्यान करने वाले हैं। क्रिस्टल बाउल ध्यान, यानी कि धरती के ऊपर जो पत्थर जगत है उसके अगर भगवान हैं तो उनको क्रिस्टल बोला जाता है। जिस तरीके से पशु जगत में नंदी को, गाय को भगवान बोलते हैं, इसी तरीके से पत्थर जगत में जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको भगवान बोला जाता है। जैसे पौधा जगत में पीपल, बर्ड, वरुण, अर्जुन, आंवला, हरित के, इन सब को भगवान बोला जाता है। इसी प्रकार पत्थर जगत में जितने भी अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स होते हैं उनको भगवान कहते हैं। तो आज हम इस अखंड ध्यान में इस पूरी धरती को एक सुकून और इस क्रिस्टल, इस पत्थर जगत के भगवान के माध्यम से हम अपने इस भौतिक शरीर से लेकर अपने सातों शरीरों को इस क्रिस्टल बाउल के संगीत के साथ जोड़ लेंगे और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, गहरे ध्यान में उतर जाएंगे। तो चलिए अपनी सांसों के साथ जुड़िए और हम
महादेव और महादेवी उनका आह्वान करते हैं। महावतार बाबा, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी और हमारे सूक्ष्म शरीरों के देवता, हम उन सब का यहाँ पर आह्वान करते हैं और इस पृथ्वी जगत पर पौधे जगत के भगवान, पत्थर जगत के भगवान, पशु पक्षी जगत के भगवान, आज हम इन सभी देवताओं को, देवियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं ताकि हम जब अनेक योनियों में जब हमने जन्म लिया, खंडित हुए और उस खंडित होने के बाद हमने अलग-अलग शरीरों में अपने अनुभव किए, हम उन सब शरीरों को अब समझने लगे हैं। एक छोटा जीव योनि, एक कीट पतंगा, भंवरा, तितली, पक्षी, पशु, इन सब के भीतर जो चैतन्य है, उस चैतन्य स्वरूप को हम पार करके इस मनुष्य योनि में अखंडता की ओर जा रहे हैं। अपनी ही सांसों के साथ जुड़े रहिए। इस ब्रह्म मुहूर्त में हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम आज इस धरती पर बैठ के अखंड ध्यान कर रहे हैं और जिसमें अनेकों देवी देवता, ऋषि मुनि सब यहाँ धरती पर आह्वान हो चुका है उनका, और उन्हीं की ऊर्जा के साथ हम अखंड ध्यान कर रहे हैं। हम जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से वापस जाना है, चाहे कभी हम पत्थर जगत में, पौधा जगत में, पशु जगत में और फिर मनुष्य जगत में अपनी चेतना को विस्तार करते हुए और बाद में सिर्फ चेतना बच जाए और ये शरीर का जो परत है ये भी हमेशा हमेशा के लिए छूट कर हम वैकुंठ में बस जाएं। बाहर से भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा जाती हुई और भीतर के छोटे से ब्रह्मांड से बाहर के ब्रह्मांड में हमारी ऊर्जा एक दूसरे के साथ मिलन करती हुई पूरे आनंद के साथ, जागरूकता के साथ ध्यान, अखंड ध्यान। मैं एक बार सातों शरीरों का नाम लूंगी ताकि हमारे चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व मौजूद है उससे हम जुड़ जाएं। ये भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, प्राण शरीर, प्राण पूरे ब्रह्मांड का प्राण और हमारा श्वास, सांस, मन शरीर, मन तो शून्य है। कारण शरीर अब अनेक अनेक जन्मों में जो भी बोझ हमने उठाया हुआ था उन सबको छोड़ रहे हैं। जितने कारणों से हम आए अब हम उनको छोड़ते जा रहे हैं। उठाकर अपनी परत कारण शरीर की एक तरफ रख दीजिए। ये सारा बोझ यहीं पर छोड़ना है। महाकारण शरीर जिसके लिए हम धरती पर आकर हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उस परम आत्मा बनना, महाकारण शरीर, आनंद शरीर यानी जिसमें हमें खुशी होती है,
विषम शरीर जब हम चारों तरफ उस चैतन्य तत्व को अनेक अनेक जीवों में दृश्य और अदृश्य रूप से पहचान सके, निर्वाण में शरीर हमेशा के लिए शरीर छूट जाए और फिर जब धरती पर आए तो लोक कल्याण के लिए आए, जैसे भगवान कृष्ण, हनुमान जी, भगवान राम, रमन महर्षि, महावतार बाबा, अनेकों अनेकों ऋषि मुनि इस धरती पर आए। अपने ही सांसों के साथ, पूरी जागरूकता के साथ हम अखंड ध्यान कर रहे हैं।
Thank you.
फिर से हम अनेक सूक्ष्म लोकों की यात्रा करके स्थूल शरीर में अपना स्पंदन महसूस कर रहे हैं। निर्वाण शरीर, विषम शरीर, महाकारण शरीर, कारण शरीर, मन शरीर, प्राण शरीर और स्थूल शरीर। अनेक लोगों की यात्रा बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर जाती हुई सांस। शरीर का स्पंदन बॉडी सेंसेशंस, शरीर का स्पंदन जब हमारी सांस चलती है तो बॉडी सेंसेशंस होती है। प्राणों का आवागमन हमारे प्राण शरीर के अंदर जिस तरह का भी भाव फीलिंग्स हम रखते हैं, या तो हमारा सांस या हमारा भाव, बॉडी सेंसेशंस, वाइटल बॉडी फीलिंग्स, मन शरीर, अनेकों अनेकों विचार, थिंकिंग, माइंड थिंकिंग, बॉडी सेंसेशंस, वाइटल बॉडी फीलिंग्स, माइंड मन, थिंकिंग, कॉजल बॉडी कारण शरीर, स्मृतियां, अनेक जन्मों की स्मृतियां, कारण शरीर मेमोरीज, महाकारण शरीर, सुप्रा कॉजल बॉडी, कारण शरीर से परे आनंद का स्वरूप, सुप्रा कॉजल बॉडी हैप्पीनेस, कॉस्मिक बॉडी विश्व में शरीर,
हम चारों तरफ कॉन्शियसनेस जो चेतना है उसके साथ जुड़ाव, द फीलिंग ऑफ वननेस, निर्वाण शरीर, फीलिंग ऑफ नथिंगनेस, जैसे आए थे वैसे ही वापस जा रहे हैं, जैसे इस धरती पर आए और फिर सारे आवरण छोड़कर इस धरती से वापस। जन्म और मृत्यु का खेल खत्म, निर्वाण शरीर, अपने सारे आवरण यहीं छोड़ने हैं। एक बार फिर से स्थूल शरीर, बॉडी सेंसेशंस, प्राण शरीर, वाइटल बॉडी फीलिंग्स, मन शरीर, माइंड बॉडी थिंकिंग विचार, कारण शरीर स्मृतियां, सब छोड़ना है। अब कारण शरीर नहीं, हम महाकारण शरीर के साथ आएंगे। महाकारण शरीर आनंदमय शरीर, हैप्पीनेस, विश्वमय शरीर यानी कॉस्मिक बॉडी, जब ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव हो जाए, कॉस्मिक बॉडी, हर किसी के अंदर को कॉन्शियसनेस दिखने लगे, वननेस, निर्वाण शरीर, नथिंगनेस, जब ये सारे शरीरों से मुक्ति, निर्वाण शरीर। अखंडता से अखंडता की ओर, दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलिए। ताली बजाएंगे। A deep gratitude to all masters. Consciousness
जीतना आज गहरे ध्यान में आपने अनुभव किया होगा। हमारी हर एक कोशिका के भीतर, हर एक कोशिका 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 छोटा सा पोर्शन अगर हम अपने माथे का लेते हैं, छोटा सा पोर्शन हम अपनी आंख का लेते हैं, कान का लेते हैं, गले का लेते हैं, तो कोशिकाओं के भीतर वो हमारी शाश्वतता चेतनता हमारे भीतर विद्यमान रहती है और हम उसको महसूस करते हैं। जैसे एक दिन पहले जब हम ने बात की थी कि एक है अपवर्ड कोजिशन और डाउनवर्ड कोजिशन, मतलब कि कोशिकाओं को जब हम पूरे एक शरीर को धीरे धीरे भौतिक स्तर पर बांट देते हैं तो हमारे सिस्टम्स आ जाते हैं, और सिस्टम्स को जब हम बांट देते हैं तो हमारे कोमल अंग आ जाते हैं, और कोमल अंग को बांट देते हैं तो हमारी विशेष तरह की कोशिकाएं आ जाती हैं, और विशेष तरह की कोशिकाओं को अगर बांट देते हैं तो हम छोटे से छोटे पोर्शन में और गहरे तल पर उतरते जाते हैं। तो हमारी जो हीलिंग है, एक हमारी भौतिक स्तर पे हीलिंग और एक हमारी आध्यात्मिक स्तर पर हीलिंग, यानी मटेरियल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। तो जैसे हम स्पिरिचुअल बोलते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है कि हमारा मनस, हमारी बुद्धि और हमारी चेतना, तीनों का विकास, तीनों का समन्वय, तीनों का अलाइनमेंट, तीनों की सिंक्रोनिसिटी, तीनों मिलकर काम करें, और तीनों जब मिलके काम करेंगे तो भौतिक स्तर पे हमारा विकास हो जाएगा, और अगर भौतिक स्तर पे हम चाहते हैं तो फिर भौतिक स्तर से स्पिरिचुअल की तरफ जा सकते हैं या स्पिरिचुअल से हम भौतिक स्तर पर जा सकते हैं। अब ये एक सिस्टम के तहत काम करता है, हर एक चीज इस धरती पर एक ऑर्डर के रूप में काम करती है। जैसे हम अब इस पूरा महीना हमने जो बात की कि जो प्रकृति है वो अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से, अपने हिसाब से अपने उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस के हिसाब से बढ़ती है। हमें नहीं पता कि इतने इतने यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो किस प्रकार से अपनी गति को बढ़ाते हैं। एक एक इन्वोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से वो अपने सिस्टम के माध्यम से बढ़ती है। सेम इसी तरीके से हम भी एक भौतिक स्तर से उस आध्यात्मिक स्तर तक जाते हैं। अगर हमारे पास जैसे जैसे अवेयरनेस आती है तो हम आध्यात्मिक स्तर से भौतिक स्तर पर अपने आप को सही कर सकते हैं, जिसको कि बताया गया कि एक मटेरियल हीलिंग है, एक स्पिरिचुअल हीलिंग है। ये दोनों हीलिंग्स पैरेलली चलती हैं। कभी कभी हम जब तक हम अनजान होते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग से तो हम सोचते हैं कि गोली खाने से हम ठीक हो जाएंगे, तो हम ये सोचते हैं कि चलो हमने गोली खा ली, कोई चूरन खा लिया, कोई बटी खा ली, या हमने कोई सिरप ले लिया, तो उसका जो प्रभाव है वो भौतिक स्तर तक ही रहता है। और कुछ हमारे जो पैथीज हैं वो हमारे भौतिक स्तर तक ही काम कर पाती हैं, और उसके बाद उसका काम बंद हो जाता है। लाइक आप कोई जो हमारी मॉडर्न जो मेडिसिंस हैं वो जब हम लेते हैं तो हम उन मॉडर्न मेडिसिंस के माध्यम से भौतिक स्तर तक ही अपने आप को कुछ देर के लिए उस फेज में हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। लेकिन इसके पर्दे के पीछे अगर हम देखें तो जो हमारा डाउनवर्ड कॉजिशन है, यानी कि जो हम कारण बनाते हैं किसी बीमारी को इस शरीर में लाने का, या कोई कारण बनाते हैं कि हम इस अपनी भावनाओं के भीतर हम किस तरह की ऊर्जा को इकट्ठा कर रहे हैं, वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है। और हम एक टेम्परेरी फेज में
ये चाहने लगते हैं कि चलो हमारा सिर दर्द है या पेट दर्द है या कोई थायराइड आ गया, डायबिटीज आ गया, तो हम गोली लेके उसको हम ठीक कर देंगे। तो हम भौतिक स्तर पे एक मटेरियल हीलिंग के तौर पे हम 1 साल 2 साल 10 साल तक हम उस मेडिसिन को लेते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम भूल जाते हैं कि हम दवाइयां भी ले रहे हैं, वो हमारे ही शरीर का हिस्सा बनने लगती है और हमारी पूरी जो केमिस्ट्री है वो बदल जाती है। और फिर केमिस्ट्री बदलने के बाद हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, अगर हम डीपर लेवल पे जाते हैं तो एक्सप्रेशंस वैसे ही हम देने लगते हैं, इरिटेशन होती है, देखो मैं तो सारा दिन, देखो मैं तो थायराइड की गोली 20 साल से खा रहा हूँ, देखो मैं तो डायबिटीज का गोली खा रहा हूँ, क्योंकि वो एक भीतर रमाने लगते हैं, उसी तरह का अभ्यास उनको होने लगता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल हीलिंग करते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग हमारा एक हिस्सा बहुत बड़ा एक साइड में रह जाता है। इसीलिए हम अलग अलग योगिक प्रैक्टिसेस से या मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस से या हम नेचर में जाने की प्रैक्टिसेस से हम उस मटेरियल हीलिंग को साइड में रख के हम स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम उस स्पिरिचुअल हीलिंग से क्या हम सही हो सकते हैं। हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि आज का विज्ञान अब ये कहता है कि तुम मैटर नहीं हो, तुम स्थूल नहीं हो, तुम सूक्ष्म हो, तुम एनर्जी हो। क्यों? क्योंकि अपवर्ड पोजिशन की एक कोशिका को, ऑर्गेन्स को जब हम बांटते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तो बाद में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को महसूस करते हैं। कोशिकाएं कहाँ काम करती हैं? एक कोशिका की अपनी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे पूरे घर में अगर हम 10 सदस्य हैं तो हर सदस्य का अपना प्रोग्राम होता है, ऐसे ही हर कोशिका की अपनी प्रोग्रामिंग चलती है, वो उस एनर्जी स्तर पर ही काम करता है। लेकिन बाहर अगर हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं कि ओपन डायनेमिक साइकिल, आप नेचर के साथ अलाइन हो रहे हैं। बाहर की तरफ हम सारी कोशिकाएं मिलके, सारे ऑर्गेन्स मिलके, सारे सिस्टम्स मिलके एक पूरे ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हम काम करते हैं दूसरों के, मतलब चारों तरफ जो हमारा संसार है, जो हमारा एनवायरमेंट है। तो हम बाहर के अनुसार अगर हमारा अलाइनमेंट ठीक नहीं है, हमारा समन्वय ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कोशिकाएं हैं उनकी प्रोग्रामिंग भी बिगड़ जाती है, और हम फिर मेटीरियल स्तर पर या भौतिक स्तर पर ये सोचते हैं कि गोली खाने से शायद हमारा कैंसर या थायराइड ठीक हो जाएगा। वो एक टेम्परेरी फेज में हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उस तरह की दवाइयां खाने लगते हैं तब हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा चेतना है, उसका विकास नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोशिका जब टूटते टूटते वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और उसके भीतर जो एनर्जी है उस एनर्जी तक हम पहुंच नहीं पाते। एनर्जी मतलब कि आपके पास एक शाश्वतता भीतर जो पड़ी हुई है, उस शाश्वतता तक हम पहुंचते नहीं है। हमारी सेल्स की प्रोग्रामिंग ठीक नहीं होती और हम सुपरफिशियली उस सिस्टम को चेंज करने की सोचते हैं। जैसे कोई घर में आता है तो हम फटाक से बेडशीट बदल देते हैं कि अरे कोई गेस्ट आ रहे हैं, चलो हम बेडशीट का कवर, लेकिन नीचे उसके अगर कुछ पड़ा है तो हम उसका सफाई नहीं करते हैं। सो वी नीड दैट के बिलो हमारा जो एक सेल का प्रोग्रामिंग है, जहां पे हमारा एनर्जी सिस्टम है, हमें वहां पर उस एनर्जी सिस्टम को, उस कॉन्शियसनेस को, उस चेतना को, उस कॉस्मिक एनर्जी को पहचानना है कि कोशिका भी अपनी उस ऊर्जा के प्रभाव से हमें सही कर सकती है। जैसे अब हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जन्म लेते हैं हम, तो
हमारा जब एम्ब्रियो बनता है, दो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और फिर मल्टीप्लीकेशन होता है, तब तक तो मांसपेशियां, हड्डियां, ये कुछ भी नहीं बना होता। तो क्या बोलते हैं आयुर्वेद में, इसको बोलते हैं कि तन मात्राएं, कि हमारी पांच तन मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द यानी कि आपका चारों तरफ का जो साउंड है, हम क्या साउंड के अकॉर्डिंग अलाइन होते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और डीपर लेते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांच तन मात्राओं से हम मिलके इस महाभूत यानी कि हम कहते हैं पंच महाभूत से बने हुए हैं। तो ये पंच महाभूत, महाभूत मतलब स्पेसिफिक नेचर ऑफ अर्थ एलिमेंट, हम एक स्पेसिफिक अपनी पैटर्न को लेकर इस धरती पर शरीर के रूप में, बनावट के रूप में हम इस धरती पर आते हैं। लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले थी पंच तन्मात्राएं यानी कि शब्द। सेम यही स्टोरी जब हम थियोसोफिकल सोसाइटी में पढ़ते हैं, तो थियोसोफिकल सोसाइटी में जो बुक्स हैं वो जैसे कॉजल बॉडी है, इथरिक डबल है, फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, सुप्रा मेंटल बॉडी है, वहां पर भी यही बात बताई जाती है कि शब्द यानी कि आपके चारों तरफ की वाइब्रेशंस, वहां उन वाइब्रेशंस के माध्यम से शब्द पहले वाइब्रेट करता है। चारों तरफ एक एरिया डिसाइड होता है कि इतना आपका कान होगा, आंख होगा, नाक होगा, चेहरा होगा, ये आपके ऑर्गेन्स बनेंगे। सेम द उसको हम बोलते हैं कि एक आपका टेरिटरी सेटअप होता है, तो वो टेरिटरी सेटअप के बीच में शब्द यानी कि वाइब्रेशंस आती हैं। तो वाइब्रेशंस डिजाइन करती हैं, कान का ऐसा डिजाइन है, जैसे हम बाहर किसी पेड़ को देखते हैं तो हम देखते हैं अच्छा ये नीम का पेड़ है, कैसे पहचानते हैं? क्योंकि हम उस नीम के पेड़ को उसकी छाल के माध्यम से, उसके पत्तों के माध्यम से, उसके फूल के माध्यम से पहचानते हैं कि ये उसका एक भौतिक स्तर है, भौतिक फिजिकल शेप ले लिया है। सेम इसी तरीके से शब्द और स्पर्श दो चीजें दिखाई नहीं देती, वो एक वाइब्रेशन जो आकाश तत्व है, जो नाद है, या जो हम एक वाइब्रेशन फील करते हैं, वो दिखती नहीं है। लेकिन शब्द, स्पर्श और रूप, रूप मतलब द ट्रांसफॉर्मेशन, अब तुम रूप तुम्हारा दिखाई देने लगा है। जैसे जब हम बीज को बोते हैं तो उसके बाद धीरे से एक छोटा सा पौधा जब निकलता है तो हम उसको देखते हैं रूप, यानी कि वो एक धरती के साथ नीचे उन वाइब्रेशंस के साथ मिलके अपने स्वरूप में आ रहा है। तो हम क्या सोचने लगते हैं कि हम मटेरियल हैं, तो हम मटेरियल हीलिंग या मटेरियल मेडिसिन्स चाहने लगते हैं। लेकिन हम बने कहाँ से हैं? उस वाइब्रेशन से, शब्द से बने हैं, स्पर्श से बने हैं, और फिर हम रूप में आते हैं, स्वरूप में आते हैं, जहां पर हम बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो सुंदरता देखते हैं, हर एक के भीतर वो सुंदरता देखना शुरू करते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस, उसके बाद फिर प्रवाह होने लगता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लूइड, वो फ्लो होता है। उस फ्लो में हमारी बॉडी की केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री आ गई है, अब बॉडी की केमिस्ट्री आ गई, बायो केमिस्ट्री आ गई है, कि जैसा आपका शरीर है उसके हिसाब से आपकी केमिस्ट्री बहने लगती है, फ्लो में बहती है। और उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, फिर आता है आपका फ्रेग्रेंस, आपका प्रेजेंस, आप कैसे हैं, गंध तत्व आता है। आपकी आपकी सेंसेशंस कोई दूर बैठ के समझ सकते हैं कि कैसा फिजिकल अपियरेंस है इसका, जिसको कि अब क्वांटम साइंस में बोला गया कि यू आर ए पार्टिकल, यू आर ए पार्टिकल, लाइक आपका मेजरमेंट आ गया है। आप मेजरमेंट में इतना मेरा हाइट है, ऐसा कलर है, ऐसे बाल हैं, ऐसे आंखें हैं, ऐसा ये है, ऐसा वो है, ये सारा मेजरमेंट में कंप्लीट हो गया।
फिजिकल अपीयरेंस में हम आ जाते हैं, लेकिन जब हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये जो फिजिकल मटेरियल हीलिंग है ये हमें संपूर्ण रूप से हील कर देगी। नहीं, संपूर्ण रूप से नहीं हील कर पाएगी, क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल नहीं हैं, हम शब्द से शुरू हुए, आकाश तत्व से शुरू हुए, और फिर वापस हम, जब ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, हमारा खुद का विकास होता है, तो फिर हम वापस से शब्द में खत्म हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस रह जाती है, जहां से हम आए वहीं पर जाके हम मिल जाते हैं। तो ये मटेरियल हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग दोनों पैरेलली चलती है। तो हमें अब ये सीखना है कि हमारी जो कोशिका है उसका जो सबसे छोटे से छोटा जो सेल्स का प्रोग्रामिंग है, एक सेल अपनी प्रोग्रामिंग करती है तो दूसरी सेल्स को सहारा नहीं लेती, वो सिर्फ उसके अंदर जो मैसेज हम रिसीव करते हैं उसी के सहारे से वो अपना विकास करती है। अब दूसरी तरफ हम बाहर के नेचर के साथ अपना समन्वय स्थापित करते हैं, ओपन डायनेमिक साइकिल। तो बाहर का जो नेचर है, मेरा एनवायरनमेंट है, मान लो मेरे घर में माहौल अच्छा नहीं है तो मैं गुस्सा करती हूँ, मैं नाराज होती हूँ, मैं उदास होती हूँ, और मेरे बाहर का जो ओपन डायनेमिक जो मेरा नेचर है, मैं उस नेचर के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं कर पाती हूँ, तो वो ही बाद में मेरी सेल की प्रोग्रामिंग में जाकर सेल कहती है मैं क्या करूं, अब मैं वो एनर्जी जो है वो पूछती है मैं क्या करूं, बाहर से सुकड़न होते 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 नीचे तक वो सुकड़न पहुंच जाती है। फिर हमें स्पिरिचुअल हीलिंग महसूस होती है कि अरे आंख बंद करके बैठ जाओ, थोड़ी देर आप साइलेंस में चले जाओ, थोड़ी देर आप नेचर में चले जाओ, उफ बहुत हो गया ये, क्यों? अंदर से हमारा जो बेसिक नेचर है वो है द प्योर कॉन्शियसनेस, सिर्फ चेतना और चेतना और चेतना और कुछ भी नहीं। हम जैसे मान लो इसको और एक और तरीके से समझते हैं, आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो आप बैठ गए गाड़ी में और गाड़ी चलनी शुरू हुई, और गाड़ी चलते चलते रास्ते में अलग अलग स्टेशन आते हैं, गाड़ी रुक नहीं रही, आप चले जा रहे हैं, तो आप चले जा रहे हैं, इधर भी देखते हैं, दूसरी तरफ भी देखते हैं, आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे दुनिया गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन कहीं एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको लगता है अरे ये तो बहुत सुंदर बिल्डिंग है, ये तो बहुत सुंदर है, तो आप एक कुछ मोमेंट के लिए वहां पे ठहर, अपने अंदर से ठहरोगे, गाड़ी वाले को नहीं बोलोगे कि रोको, लेकिन वहां पे ठहर जाओगे, अरे ये तो बहुत सुंदर बिल्डिंग, शायद मैं वापस आते हुए इसको देखूंगा। तो आप एक पॉज लेते हो और उस मेजरमेंट में घुस जाते हो कि मैं वापस आते हुए देखूंगा, ये बहुत सुंदर बिल्डिंग है, मुझे देखना है। सेम इसी तरीके से जो हमारी जिंदगी का बहाव है, हम उस बहाव में बहते चले जाते हैं, बहुत बार इग्नोरेंट भी हो जाते हैं, और किसी किसी पर्टिकुलर मोमेंट को लेके हम पकड़ लेते हैं कि नहीं मुझे तो बस ये चीज छोड़नी ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड द अटैचमेंट। और उस अटैचमेंट को हम मेजर करते हैं कि मेरा एक विचार आया, मेरी एक एनर्जी इकट्ठी हुई, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ब्लॉकेजेस, जहां पे कहते हैं दैट इज योर लोकल एरिया इज ब्लॉक्ड, कहीं पर सिस्ट फॉर्मेशन हो गया, कहीं पर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, या कहीं पर एनर्जी ब्लॉक हो गई और डिसऑर्डर क्रिएट होना शुरू हो गया। एक पर्टिकुलर मोमेंट को लेके अगर हम उसका मेजरमेंट करते हैं, हम कहते हैं चलो चलो ब्लड टेस्ट कराते हैं, MRI कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो हमारे अंदर से रिकॉर्डिंग निकल के आती है कि आपके देखो यूट्रस में ये प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज वी डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ अवर सेल प्रोग्रामिंग। वो भीतर जाके गहराई पर हम कहते हैं कि एक दिन में बीमारी पता नहीं लगती, भाई ये तो पता नहीं अंदर क्या क्या इसके फैला हुआ था, आज जाके आया है कि 4th stage का कैंसर है या 3rd stage का कैंसर है, या थायराइड आपके पहले से था अब टेस्ट में पता लगा।
तो हम दो पैरेलल एक व्हील्स के ऊपर चलते हैं, जहां पे हम मेटीरियलिज्म यानी कि हमारा मैटर भौतिक, और हमारा स्पिरिचुअल यानी कि हमारा मन बुद्धि और चेतना दोनों बराबर के तरीके से हमें विकास करना है। कैसे? क्योंकि हम उस चादर से लिपटे हुए हैं, कॉन्शियसनेस की चादर से लिपटे हुए हैं, उसी के भीतर हम डुबकी लगा रहे हैं, चाहे हमारी कोशिकाएं हैं, चाहे हमारे ऑर्गेन्स हैं, चाहे हम कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम फैमिली में रह रहे हैं, चाहे हम सोसाइटी में रह रहे हैं, चाहे हमारा एक देश है, नेशन है, नेशंस हैं, या पूरा वर्ल्ड है, और या पूरा यूनिवर्स है। सो यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है, उसी के अंदर हम डुबकी लगाकर रहते हैं। तो कॉन्शियसनेस को हमें, उस चेतना को हमें और गहरे स्तर पर पहचानना होगा, चाहे वो इंडिविजुअल सोल्स हैं, चाहे वो हमारी ग्रुप सोल्स हैं। ग्रुप सोल्स अपना काम करती हैं, वहां पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना वहां है जहाँ हम अपनी इंडिविजुअल सोल, अगर हमारी इवॉल्व नहीं करती है, तो हम चारों तरफ के नेचर को भी डिस्टर्ब कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, कहीं अटैचमेंट से हम बंध गए हैं, हमारा अटैचमेंट का जो एनर्जी का स्तर है, हमने उसको ब्लॉक कर दिया है। देन वी नीड कि हम एक फिजिकल मेटीरियल हीलिंग, ओके ठीक है, अभी इंटीग्रेटेड मेडिसिन की, एक दिन पहले हम जो बात कर रहे थे कि हमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन चाहिए, प्यार भी चाहिए। वी नीड अलोंग विद द मेडिसिन, अलोंग विद द टेबलेट्स, वी नीड लव, क्योंकि वो कौन है, किसका प्रोडक्ट है वो? वो हमारी सुपरामेंटल बॉडी का प्रोडक्ट है, जो हम खो चुके हैं, जहां पे हमें उस प्यार को, उस कंपैशन को, करुणा को साथ लेके हमारी काउंसलिंग अगर कोई करता है, तो हम जल्दी हीलिंग कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल हीलिंग इज विद द माइंड, विद द इंटेलेक्ट, एंड विद द स्पिरिट, विद द सोल। ये हीलिंग हम मिस कर देते हैं। तो हमें इन तीनों की जरूरत है, क्योंकि हम बेसिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उन पंच तन्मात्राओं से आके इस महाभूत में आ गए हैं। महाभूत मतलब कि हम एक स्पेसिफिक, एक एरिया को लेकर, स्पेसिफिक हमारे एक स्वरूप, अपियरेंस, जेस्चर्स हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर इस धरती पर आए हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि दिस इज योर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। कि उसका देखो, वो थोड़ा सा गर्म स्वभाव का है, हम ऐसे बात करते हैं। तो क्या हो गया अगर गर्म स्वभाव का है? अब वो इस घर में एक गर्म स्वभाव का, एक ठंडे स्वभाव का, इट्स ओके, यू जस्ट अलाइन विथ बोथ ऑफ, हम दोनों को अलाइनमेंट सीखना है कि हाउ वी कैन अलाइन। हम अलाइनमेंट, सिंक्रोनिसिटी नहीं सीखते हैं। अगर कोशिकाएं आपस में ब्लास्ट कर जाएं, तो क्या होगा? हमारा ऑर्गेन भी ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ऑर्गेन के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उनका एक एक कोशिका का अपना प्रोग्रामिंग है। उस कॉन्शियसनेस के सागर में डुबकी लगाकर, उस एनर्जी की डुबकी लगाकर वो काम करती है। सेम इसी तरीके से हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो अलग अलग अपनी अपियरेंस में यहाँ पर आते हैं, पंच महाभूत के समन्वय में। उसके भीतर जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये सारी चीजें पड़ी हैं, उसका अपना प्रोग्रामिंग है। सो हम दोनों को, तीनों को, चारों को एक अलाइनमेंट सीखना है। वो अलाइनमेंट हम तब सीख पाएंगे जब पता लगेगा कि वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, और कुछ है नहीं है। हमने तो कुछ देर के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ गए, गाड़ी में हमने कुछ स्पेसिफिक एक मूवमेंट देखा, तो हम उस चीज को पकड़ लिया कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, या बहुत खराब है, देखो सड़ा हुआ, यहाँ पे कचड़ा पड़ा है, हम ऐसे कुछ फिक्सअप कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं अपने माइंड को। सेम इसी तरीके से हम अपनी उस डायनेमिक फ्लो को रोक देते हैं, जहां पे रुक गया वहां पे लोकलाइज्ड हो गए, वहां पर हम एक मेजरमेंट के रूप में अपने आप को स्थापित करें, देखो ये तो इसका ऐसा नेचर है, इसके साथ तो बात करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज वी ब्लॉक्ड अवर सेल्फ, वी लिमिट अवर सेल्फ। जबकि हमारा नेचर क्या है?
एक फ्लो फ्लो में नेचर के साथ, द लिसनिंग ऑफ योर नेचर विजडम, अपने चारों तरफ की उस नेचर को, इस एनवायरमेंट को पहचाने की, वो लिसनिंग की कैपेसिटी हमारी बहुत कम है. क्यों? क्योंकि लास्ट द शब्द यहां से मटेरियल से उल्टा चले. अगर गंध ले लें पहले हम, फिर हम रस ले लें, और फिर हम उसके बाद रूप को ले लें, और फिर स्पर्श को ले लें, और फिर शब्द को ले लें, तो हम अगर हम उल्टे रास्ते से जाते हैं, यानी कि मटेरियलिज्म से टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी जाते हैं, तब हम उस लिसनिंग कैपेसिटी को भूल जाते हैं. इसीलिए चैंटिंग बहुत अच्छी होती है अगर हम उसको समझते हुए चैंटिंग करें. इसलिए चैंट करने से हमारे आकाश तत्व बढ़ता है, हमारे अंदर की रुकी हुई नालियां खुलती हैं. अगर हम चैंट करते हैं, कुछ भी चैंट करिए, क को चैंट करिए, ख को चैंट करिए, ग को चैंट करिए, आपको ये पता लगेगा कि मैं जब ग बोलता हूं तो मेरे गले से या मेरी नाभि से कहां से साउंड आती है. चेक योर सेल्फ. यही कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने का तरीका है. अनेक अनेक ऋषियों ने, साइंटिस्ट ने, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उन्होंने पहचाना है इस बात को कि ये जो ब्रह्मांड की जो सिद्धांत है, इनको मैं कैसे पहचानूं. पूरा नहीं कि हाँ हम उस सिद्धांत को पहचानने के बाद फिर कोई पढ़ाई नहीं जरूरत है. हमें बस वो सिद्धांत पहचानने कि ये चेतना है, इस चेतना के सागर में हम रहते हैं, और हर व्यक्ति का, हर जीव का अपना स्वरूप है, अपना शेप है, अपना एक्सप्रेशन है. जो भी कुछ हम सराउंडिंग से रिकॉर्ड करते हैं, वही हमारी बायोकेमिस्ट्री का एक्सप्रेशन बन जाता है. देखते हैं हम कि कई बार स्कूटर पे कोई जा रहा होता है, कार में कोई जा रहा होता है, और रेड लाइट आ जाती है, रुक जाते हैं, तो हम एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, तो कहते हैं कि देखो ये तो थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का है, ऐसे हो गया है उसका चेहरा, ऐसे हो गया है, ऐसा बन गया है, ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं. क्यों? क्योंकि हम उनके एक्सप्रेशन से, बॉडी केमिस्ट्री एक्सप्रेशन से हम समझते हैं कि देखो ये घर में भी ऐसे करता होगा पक्का. हम आपस में अपने जब गाड़ी में बैठे होते तो जरूर बात करते हैं ऐसे. क्यों? क्योंकि रियली में हम अपने आप को भी जानते हैं, और जब हम किसी दूसरे को पहचानते हैं कि उसका एक्सप्रेशन है, अरे इससे क्या बात करनी है, छोड़ो. क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी केमिस्ट्री के एक्सप्रेशंस हैं, वो बैकग्राउंड में जो हमारे कर्टन के पीछे जो हमारा सब कुछ छुपा हुआ, हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट छुपा हुआ है. स्पिरिचुअल मतलब कि मन, बुद्धि और चेतना, तीनों का अगर डिसऑर्डर है तो जरूर वो हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट करता है. हमें उसी को सही करना है, बस हमें उसी को सही करना है कि हमारा जो इस जो बेसमेंट है, उसको बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड जो ग्राउंड है, जो जीरो, जहां पे जीरो आ गया, उसे नीचे का जो एरिया है, हम उस कॉन्शियसनेस को हमें सही करने के. अरे हमने उस कॉन्शियसनेस में, उस एनर्जी फील्ड में हमने क्या क्या डाल दिया, कबाड़ डाला हुआ है, भी उसको हमें निकालना है धीरे धीरे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड टू अवर शेप्स ऑफ अवर फिजिकल बॉडी, ऑफ अवर वाइटल बॉडी, तो हमें उसके अंदर गहराई पर जाकर उस चेतना को पहचानना है. मतलब लास्ट में, मतलब द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि आपको एक ठहराव सीखना है जिंदगी में, दैट इज योर वेटिंग एरिया. कई बार हम इसके एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आप वेटिंग एरिया में, अभी डॉक्टर अंदर है, एक पेशेंट है, और आप वेट कर रहे हैं, तो आप वेट कर रहे हैं तो आप गिनेंगे कि मैंने डॉक्टर को ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है, आप एक लाइन बना रहे होते हैं. अरे डॉक्टर बहुत देर लगा दी, पेशेंट इतनी देर से बैठा, पता नहीं मेरे को टाइम देगा या नहीं देगा. इस वेटिंग एरिया में हम जो जो भी चीज अंदर अंदर डालते जाते हैं, वो चीजें ही हमारी कॉन्शियस लेवल पे आती जाती हैं. तो अभी हमें वेटिंग एरिया को ठीक करना है, यानी कि हमें अपने अंदर ठहराव लाना है. ठहराव से क्या होगा
कि जो हमारी सेल्स की कोशिकाओं की जो प्रोग्रामिंग है, जहां पर कोशिकाओं का जो सूक्ष्म स्वरूप, सूक्ष्म ऊर्जा जहां पर है, जहां पे वो कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग, जो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने बोल दिया, वहां पर जाके हमें अपनी प्रोग्रामिंग को ठीक करना है, वन बाय वन, वन बाय वन। अब लुईस एल हे को अगर आप पढ़ते हैं, यू कैन हील योर लाइफ, तो उसमें देखते हैं कि आपका बैकबोन का एरिया, शी हैज स्पेसिफिकली सेड कि आपका जो बैकबोन का एरिया है, आपकी लेग्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी से कनेक्टेड होती है। जैसे उन्होंने कॉन्स्टिपेशन का एक उदाहरण दिया, कब्ज का, कि कॉन्स्टिपेटेड, द कॉन्स्टिपेटेड पर्सन जो लिमिटेड हैं, जो अपने आप को रोक के रखते, स्टर्बन, जो ढीठ होते हैं, जो बदलना नहीं चाहते अपने आप को, तो कंडीशनिंग, कंडीशनिंग होगी तो उस उसको वो ड्राइनेस में आ जाएंगे और कॉन्स्टिपेटेड, दैट द कॉन्स्टिपेटेड पर्सन, उन्होंने ऐसे बोला। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत लिमिटेड होते हैं तो अपनी ऊर्जा को, अपनी कॉन्शियसनेस को संकुचित कर लेते हैं, इसीलिए कुंडलिनी सोई रहती है। अगर हम दूसरे तरीके से कहें कि कुंडलिनी सोई हुई है, तो कुंडलिनी सोई मतलब योर एनर्जी इज नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि हम अपनी इंटेस्टाइन्स को, हम अपनी उस पीछे का जो हमारे किडनीज का पोर्शन है, हमारा मस्कुलर पोर्शन है, हमारा नर्वस सिस्टम का पोर्शन, हम उसको ध्यान ही नहीं देते। समटाइम्स कोई आता है तो मैं कहती हूँ, सबसे पहले अपने पेट के ऊपर हाथ फेरो, तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन, तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारी इंटेस्टाइन, तुम्हारी आंतें सो गई, एक जगह सीटिंग सीटिंग सीटिंग, या एक जगह डिप्रेशन सैडनेस में जब आप चले जाते हो तो इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देती। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे उस सेल प्रोग्रामिंग स्टॉप हो जाती है, वहां पे कोई काम नहीं होता। तो इसलिए फर्स्ट धीरे धीरे अपना मसाज शुरू करिए, पेट पे मसाज करिए, उठते ही आपको मसाज करना चाहिए। दिस इज ए नॉर्मल डेली रूटीन होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी को रब कर रहे हैं, यहां से आते आते अपने पेट के ऊपर, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरिए सर्कुलर वे में, कि हाँ मेरी मांसपेशियां काम कर रही हैं, मेरे मांसपेशियों, अब सर्कुलर वे में जैसे आप जाएंगे तो मांसपेशियों के डीपर लेवल पे चले जाए, हाँ मैं मांसपेशियों के अंदर अपनी अपनी जो मेरी आंत है उसको भी एक मूवमेंट दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस सर्कुलेट्स, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड, बट वो कैसे होगी, वो अभी इंफॉर्मेशन से नहीं होगी, हमें उसको प्रैक्टिकली हाथ से करना पड़ेगा, हमें उसको घुमाना पड़ेगा। बैक में जाइए, ऐसे बैक में जाके मालिश करिए, उठ के मालिश करिए, पूरा बैक में जाइए, टांगों को रगड़िए, पैरों के तलवों तक उसको रगड़ डालिए सब कुछ, नहीं तो वो सो जाएंगे। ये एक हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग है कि जहां पे हमें लगता है कि वी आर कॉन्स्टिपेटेड, वी आर सम इगोइस्टिक, वहीं पर अपने हाथ को ले जाइए, घुमाइए, और वहां पे अपने हाथ को रखिए, पेट के नाभि के ऊपर हाथ को रखिए, महसूस करिए कि मेरी मांसपेशियां क्या काम कर रही हैं, क्या मेरा सांस यहाँ तक आ रहा है, क्या मैं उस एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, क्या मैं अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकता हूँ जहां पर वो संकुचित हो गई है। अभी आदत क्या है, नहीं 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 देखो मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा नहीं है, मेरे बच्चों ने मेरे से पूछा नहीं है, ये नहीं पूछा है, वो नहीं पूछा है, बस। और फिर हम स्टकअप हो जाएंगे, चलो जी किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं जी, अच्छा जी हाँ, बड़े खुश होकर जाएंगे जी, अच्छा आप ये गोली खा लीजिए, डॉक्टर बोलेगा हाँ हाँ ठीक है हम गोली लेके आए, एक हफ्ते के बाद नहीं असर तो कुछ हुआ नहीं, डॉक्टर बेकार है, डॉक्टर बेकार है, या हम ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं, हमारा जो बेसिक जो कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम है उसको हमने नहीं पकड़ा है, उस सेल की प्रोग्रामिंग में हम नीचे नहीं गए हैं, हमने बाहर के एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को अलाइनमेंट से अलग कर लिया है, अलग हो गए, सेपरेट हो गए। इसीलिए हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम बोलते हैं यू आर इटर्नल, अहम ब्रह्मास्मि, ओ बहुत मोटे मोटे ऐसे बहुत गहरे शब्द हैं ये मोटे ऐसे नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि बोलने से
मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, चेतना बन जाऊंगा। चेतना के लिए हमें बाहर और भीतर दोनों तरफ से उस कॉन्शियसनेस को सीखना है, डीपर लेवल पे भी सीखना है, एलाइनमेंट सीखना है इस ह्यूमन बॉडी में। आसान है देवता बनना, तो बाद में तो हमें लगता है कि हम देवता बनेंगे, इट्स ओके, कॉन्शियसनेस में जाएंगे, लेकिन ह्यूमन बॉडी में अलाइनमेंट नहीं सीखते हैं। दूसरों के साथ अलाइनमेंट, समन्वय स्थापित करना, पूरे पूरे समाज को समझना विदाउट जजमेंट्स, विदाउट अटैचमेंट्स, वो समझेंगे तब हम जाके कहीं शाश्वत होते हैं। सो हमारे जो बॉडी की शेप्स हैं, हम हमारे एक्सप्रेशंस हैं, वो हमारे हमारा जो पंच महाभूत का समुदाय है, उस समुदाय को हम कहीं सूक्ष्म स्तर पे, उस स्पिरिचुअल स्तर से ही लेकर यहाँ पे इस स्वरूप में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं यू आर ए वेव, यू आर ए पार्टिकल। आप पार्टिकल जब आप किसी मेजरमेंट में चले जाते हैं, हाँ मेरा ब्लड का केमिस्ट्री ऐसा है, मेरे आरबीसी ऐसे, डब्ल्यूबीसी, हम सबके अलग अलग हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब अलग अलग है। सो हमारे जो मेजरमेंट्स हैं उसको हमें बैलेंस करना है, डिसऑर्डर से ऑर्डर में लाना है। वो कहां पर लाएंगे, वही कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। वो उस चेतना के स्तर तक जब तक नहीं जाएगा तब तक हम उस ऑर्डर में नहीं आ सकते। सो द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज ठहराव, 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 अंदर जाओ, अंदर जाओ, डीपर लेवल पर जाओ, सेल्स की प्रोग्रामिंग को देखो, अपने ऑर्गेन्स की प्रोग्रामिंग को देखो, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है। लुईस एले का पूरा स्टडी है कि यू जस्ट सी इन योर मिरर कि तुम कैसे हो, देखो जरा अपनी शक्ल को, पहचानो। मिरर थेरेपी उनका बहुत अच्छा थेरेपी है कि आप एक बार शीशे में जाकर जरूर देखें कि अपने आप को देखें कि मेरे कहां पर मैं अपने पूरे चेहरे को संकुचित महसूस करता हूँ। एंड दैट इज यू विल सी दैट कि कुछ दिनों के बाद आपको अपनी ही ऑरा के कलर्स दिखने लगेंगे। बहुत साल पहले मैंने प्रैक्टिस किया ऐसे ऑरा देखना सीखा, बहुत साल पहले, लगभग 16-17 साल पहले। ऑरा कैसे देखी जाती है, आप एक अंगूठे को देखिए, ऐसे नाखून को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो नाखून को देखते देखते टिप ऑफ दैट स्किन आप जब देखेंगे तो आपको अपनी ऑरा दिखाई देगी। धीरे धीरे अंगूठे से हटकर अपने हाथों की ऑरा को देखना सीखिए और फिर अपने चेहरे की ऑरा को देखना सीखिए कि मैं जब बहुत ज्यादा टेंस्ड होता हूँ या बहुत ज्यादा मेरे विचार होते हैं तो मेरी बॉडी का जो ऑरा है, मेरे चेहरे का ऑरा कैसे दिखाई देता है। टेस्ट योरसेल्फ, एक महीने के टेस्ट में आप पास हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस बहुत ईजी है। आप दूसरों की ओरा फिर देख सकते हैं, पेड़ पौधों की ओरा को देख सकते हैं, अपनी ही आंखों से उस और एक फील्ड को देख सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन की ओरा को आप इजीली पहचान सकते हैं कि द दैट टाइप ऑफ द कलर ऑफ दैट ओरा। सो ये प्रैक्टिस करिए, ये हम प्रैक्टिस एक अपने इस मंडे और फ्राइडे में डाल सकते हैं कि यू चेक योर ओरा, फर्स्ट स्टार्ट विद योर थंब, थम से ऑरा को देखना सीखिए, फिर योर हैंड्स, और आपको देखे आपको दोनों तरफ ऐसे फील होगा कि एक फ्लूइड जैसा लेयर बना हुआ है हमारी उंगलियों के चारों तरफ। फिर धीरे धीरे अपने हाथ और पाम्स की ऑरा को देखना सीखिए, वेरी वेरी स्लोली आप उसको देखते जाएंगे। कुछ एक हफ्ते तक अपने हाथ का प्रैक्टिस करेंगे, थम का प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपने थम नाखून को देखा और नाखून को देखने के बाद धीरे धीरे उस स्किन के ऊपर अपने ध्यान को ले जाएंगे तो ऑरा को देखना सीख जाएंगे। फिर धीरे धीरे हाथों की ऑरा, और फिर धीरे धीरे अपने शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने चेहरे को देखना शुरू करिए। ये लुईस एले का एक प्रैक्टिस है, और लिंडा गुडमैन के जो स्टार शाइन्स पुस्तक है उसमें भी ये बताया गया है कि यू कैन चेक योर ऑरा विद योर ऑन, कि आपके स्टार साइंस और सन साइंस को लेकर उन्होंने जब डीपर लेवल पे बात किया तो वो कहते कि आप अपनी ऑरा को पहचाने। वहीं से इन्होंने उस मसाज को भी बताया कि व्हेन यू सर्कुलेट योर दैट सेलुलर
अंदर का जो फ्लूइड रोटेट करता है, तो यू फील मोर एनर्जाइज बिकॉज यू आर गिविंग द एनर्जी टू योर बॉडी. जब आपके पास टाइम है मत करो मेडिटेशन, आप बॉडी को रब करना शुरू करो. आपको लगता है कि अभी मुझे ये करना चाहिए, यू जस्ट फ्लो विद दैट नेचर विजडम. आपके अंदर से एक आवाज आए कि मुझे ऐसा करना है, तो वैसा ही करिए. नहीं नहीं अभी मैं ऐसा करूंगा, नहीं, अपने मन से नहीं, अपने दिल से पूछिए कि मुझे क्या करना है. और एक शीशा तो जरूर रखिए अपने पास, तो हमें पता लगेगा कि हम कभी कभी बहुत सड़े हुए होते हैं, और कभी कभी हम दूसरों, मतलब हम कहीं पर चोट खाते हैं और फिर बाद में काजल लगाते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है. क्यों? क्योंकि हमने खुद में जीना सीख लिया है. तो खुद में जीना जब हम सीख लेते हैं तो यू फील मोर एनलाइटेंड, क्योंकि आप बाहर की ऊर्जा को छोड़कर अपने भीतर उस ऊर्जा को समाने लगते हैं. ये सफरिंग नहीं है, ये दुख नहीं है, ये खुशी है कि तुम अपनी बाहर की ऊर्जा को जहां पर खर्च कर देते हो उस ऊर्जा को अपने भीतर संभाल रहे हो. चेक करो अपने आप को, एंड दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस. यही रीजन रहा कि जब मैं मेडिटेशन में या एक योगिक प्रैक्टिसेस में त्राटक में बहुत साल पहले, लाइक 12th क्लास में त्राटक सीखा था, तब धीरे धीरे ऊर्जा को जानने लगी थी, पहचानने लगी थी कि अगर आप एक कबीर का दोहा बोलते हो तो आप कितना शक्तिशाली महसूस करते हो, या एक आप बहुत सुंदर कोई गाना सुनते हो तब आपके पास कितनी शक्ति आती है. आप कभी कभी गाना सुनते हो तो लगता है कि यार ये मेरे दिल के नजदीक है, मुझे एक बार और सुनना चाहिए. सुनिए उसको. आपकी कोई फेवरेट सॉन्ग्स हैं, लिसन दैट सॉन्ग, चाहे वो लव सॉन्ग्स हैं, सैड सॉन्ग्स हैं, कैसे सॉन्ग है, नेचर सॉन्ग है, कैसा सॉन्ग है. फिक्सअप मत करिए कि ये मुझे बस इसी उस टनल में ही बहना है. वो टनल को बंद कर दो थोड़ी देर, जहां पे हम बह रहे हैं उस टनल को छोड़ के किसी और टनल में आ जाइए. देन यू फील द क्रिएटिविटी, दैट इज द, आजकल बोले द क्रिएटिविटी प्रिंसिपल. क्रिएटिविटी प्रिंसिपल तो आपके हाथ में है कि आप कैसे, अब अच्छा आज मैं किस मुद्रा में बैठा हुआ अच्छा लगूंगा. चेक करो अपने आप को एंड इट विल एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, ऑटोमेटिकली एक्सपैंड कर देगी. कोई जरूरी नहीं कि क्रॉस करके लेग्स को बैठना, नहीं नहीं, मैं आज लेग्स को लंबा करके आराम से मेडिटेट करके देखता हूँ, लेट अस चेक. तो वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें. हाँ मेरे को आज हाथ ऐसे करके नहीं अच्छा लग रहा, आज मुझे अपने हाथ अपने थाइस के ऊपर रखना अच्छा लग रहा है, या नी ज्वाइंट के पास अच्छा लग रहा है. टेस्ट इट, क्या मैं ऐसे, मेरे को अच्छा रिलैक्सेशन फील हो रहा है. सुखासन मतलब कि इन विच यू आर फीलिंग द मोर रिलैक्स. सुखासन मतलब ये नहीं कि एक बना दिया, एक पोस्चर, एक शेप दे दिया किसी ने और हम उसी सुखासन में बैठ गए, नहीं. सुखासन मीन्स आप किस में सुख महसूस कर रहे हैं, वो सुख है आपके लिए. अब एक बच्चा है वो सुख में, जैसा उसके, मैं तो भाई बूढ़ी हो गई हूं तो मुझे तो वो सुख में, कैसा सुख, मुझे कौन सा सुखासन चाहिए. सो यू चूज योर सुखासन, वो नहीं जो किताबों में बताया गया, वो जो आपके अंदर से आवाज आती है, वो सुखासन.